अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मां चिंतपूर्णी दरबार में लगाए जाने वाले भंडारे हेतु निकाली शोभा यात्रा। जय माता चिंतपूर्णी धर्मशाला ट्रस्ट के दरबार की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां चिंतपूर्णी दरबार में 24वां विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज शहर अंदर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गयी। इस अवसर पर पंडित संजय शर्मा की ओर से विधिवत मां चिंतपूर्णी जी का पूजन व आरती की दौरान उपस्थित भक्तों में माता का प्रसाद वितरित किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन पवन बांसल, सीनियर सदस्य भगवान दास आहूजा ओम प्रकाश काका ने बताया कि सावन पर मां चिंतपूर्णी में लगाए जाते मेले में गिद्दड़बाहा की ओर से खास भंडारा लगाया जाता है, जो कि लगातार 1 अगस्त से 8 अगस्त पर चलता है। इस भंडारे का आयोजन शहर वासियों के सहयोग से किया जाता है। इस अवसर पर समूचे रास्ते माँ के भंजन जारी रहे। हाँ जी सर, आज की शोभा यात्रा बारे हर साल की तरह इस साल भी 24वां भंडारा जय माता चिंतपूर्णी धर्मशाला ट्रस्ट वालों सारे के सहयोग नाल, मंडी के सहयोग नाल माता चिंतपूर्णी विखे लगाउण जा रहे हैं। ये शोभा यात्रा हर साल की तरह उस साल बड़े धूमधाम नाल कढ़ी जा रही है। तो सानू भंडारा भी उम्मीद है मां माई साढ़े से पूरा आशीर्वाद रखूगी, तो अगे ना वधिया वध चढ़ के भंडारा साडा लगूगा। भंडारा लगाया जा रहा है, 24वां भंडारा मंडी के सहयोग नाल लगाया जा रहा है। चिंतपूर्णी धर्मशाला गिद्दड़बाहा विच लगाया जाएगा, जो कि 1 अगस्त तो लैके 8 अगस्त तक चलेगा। ये भंडारा घंटा 24 घंटे चलता रहेगा। इस सहयोग के पूरी मंडी ने साडा सहयोग दिता, असी मंडी के बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। तो अगे तो भी ये वधिया काम करांगे। पिछले धर्मशाला का भी काम चल रहा है, उत्थे भी 20-25 कमरे की उम्मीद है भी चीज जल्दी तैयार करवा लो। जय माता चिंतपूर्णी धर्मशाला ट्रस्ट वालों 24वां विशाल भंडारा माता चिंतपूर्णी के दरबार से लगाउण जा रहे हैं, जो कि मंडी निवासियों के सहयोग नाल ही भंडारा लगाया जा रहा है। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।